Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. और स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस की मैंने कल एक वीडियो डाली थी, क्वेश्चन नंबर उसमें 1 to 9 थे। अब उसी फर्स्ट चैप्टर की स्टूडेंट्स एक और वीडियो डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। एक स्टूडेंट सब्सटेंस हमने लिया जिसका हमें नाम नहीं पता कौन सा है, इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करते हैं, आइडेंटिफाई एक्स। तो वो एक्स क्या है हमें स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना है। व्हाट विल बी इट्स रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट अ वैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास कराते हैं, तो वो लाइम वाटर जो है वो स्टूडेंट्स मिल्की हो जाता है, यानी उसका कलर दूधिया हो जाता है। तो हम उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए स्टूडेंट्स हम लाइम वाटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? लाइम वाटर। तो पहला आंसर क्या है कि एक्स इज लाइम वाटर। क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स जो है वो लाइम वाटर होगा, एल आई एम ई। अब इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है इसमें? कैल्शियम क्लोराइड। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें स्टूडेंट्स कैल्शियम क्लोराइड बनता है। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कैसा हो जाता है? जो कैल्शियम क्लोराइड बनता है उसी के कारण इसका कलर जो है वो मिल्की हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स इसकी रिएक्शन हमें करानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्लैग्ड लाइम है, यानी बुझा हुआ चूना है, इसी में कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस ही स्टूडेंट्स ये लाइम वाटर है। और जब इसमें हम CO2 को पास कराते हैं तो इसमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसकी स्टूडेंट्स CaOH का होल ट्वाइस, और जब इसमें हम कार्बन डाई ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण जो है वो इसका जो, यानी ये जो है जो लाइम वाटर है इसका कलर जो है मिल्की हो जाता है स्टूडेंट्स। प्लस H2O स्टूडेंट्स, सॉरी, तो ये क्या होगा? वाटर जो है इसमें से रिप्रेजेंट होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, तो CaCO3 और प्लस H2O ये बनेगा। तो एक्स इज लाइम वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ग्रीन आयरन साल्ट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली। तो जब स्टूडेंट्स ग्रीन आयरन सॉल्ट को हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्लैक एंड ऑडियर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। स्टूडेंट्स कौन सी गैस निकलती है? ऑडियर ऑफ बर्निंग सल्फर की महक आती है, गिवन आउट। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे है स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं कौन सा लिया? आयरन साल्ट, और यहाँ पे कौन सी गैस निकली? सल्फर की स्मेल आई। तो इसका मतलब है ये आयरन सल्फेट होगा, ये जो सब्सटेंस होगा, नेम द आयरन सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स आयरन सॉल्ट कौन होगा? फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं लेकिन उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, FeSO4। ये होता है स्टूडेंट FeSO4।
फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स जब हम इसमें क्या होता है सल्फर गैस निकलती है जब आयरन सॉल्ट को हम गर्म करते हैं, तो इसका मतलब है कि आयरन सॉल्ट को गर्म करने पर आयरन सॉल्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये एक आंसर इसका ये है, और ये आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि जो आयरन है उसको जब हीट करते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है और सल्फर की इसमें स्मेल आती है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो अब स्टूडेंट्स कैल्शियम भी एक मेटल है और मैग्नीशियम भी एक मेटल है, अगर इन दोनों को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब स्टूडेंट्स इनकी रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम प्लस टू एच एन ओ थ्री, तो इसमें से स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस निकलती है। नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर क्या होता है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये बनाएंगे स्टूडेंट्स कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो टू होती है, तो इसलिए जो बनेगा सी ओ एन और एन ओ थ्री की वैलेंसी होती है माइनस वन, तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा सी ए एन ओ थ्री का होल ट्वाइस प्लस एच टू। इसी तरीके से अगर हम इसकी रिएक्शन स्टूडेंट मैग्नीशियम से कराएंगे तो सेम बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों सेम ग्रुप के हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा एम जी एन ओ थ्री का होल ट्वाइस प्लस एच टू। तो ये स्टूडेंट्स कैल्शियम नाइट्रेट है ये बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, और ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो स्टूडेंट्स इवॉल्व होती है। यहाँ हम गैस लिख सकते ब्रैकेट में। अब एक क्वेश्चन और स्टूडेंट, लिस्ट फोर ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो देखिए अगर स्टूडेंट्स कोई रिएक्शन होती है तो इस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? अगर कोई रिएक्शन होगी स्टूडेंट तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि उसमें से क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी उसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या निकलेगा, गैस निकलेगी। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट एक सिंपल सा एग्जांपल बनाए, जब हम घर में दिवाली के टाइम पे अपने घर की पुताई करते हैं, बाजार से हम चूना लाते हैं और उस चूने में हम पानी डालते हैं, तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम पानी डालते हैं हम देखते हैं उसमें से गैस निकलती है और उसका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, पानी गर्म हो जाता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। और स्टूडेंट्स क्या होगा, चेंज इन स्टेट। तो स्टूडेंट्स जब हमने चूना बाजार से लाए थे तो क्या था, वो सॉलिड था, और जब उसमें पानी डाला तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, वो लिक्विड बन गया। और फोर्थ क्या होगा, एक और होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन कलर, उसके कलर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा, या बहुत ज़्यादा फर्क भी आ सकता है या थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से ये कुछ साइंस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना फ़ायदा करते रहिए।